हाई गाइज कैसे हो आप लोग दिस प्रीति फ्रॉम माई हॉट चॉकलेट हुई इस डुइंग वेरी वेल आज मैं आप लोग के लिए बॉलीवुड स्टाइल राखी मेकअप लुक लेके आई हूँ यूजिंग प्रोडक्ट्स अंड्रेड रुपीज थाउजेंड राखी में क्या आपको ऐसा दिखना है नहीं सो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद प्राइमर नाउ यहां मैंने मार्स के प्राइमर्स ट्राई किए हैं सबसे पहला तो है मार्स का बेस प्राइमर जिसका प्राइस अंडर रुपीज टू हंड्रेड ही है और नेक्स्ट मैं ट्राई करूंगी मार्स का गॉड्स ग्लो प्राइमर जिसका प्राइस अराउंड थ्री फिफ्टी रुपीज़ है तो पहले तो मैंने ये वाला प्राइमर लगाया था एंड आई वॉज सो हैप्पी क्योंकि बहुत अच्छा ग्लो सा आ गया था मेरे स्किन में आई एब्सोलूटली लव दिस प्राइमर जस्ट टू ट्राई मैंने नया परचेज किया था मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसको अपने हाईएस्ट पॉइंट्स में लगाया है जस्ट टू गैट दैट इनर नेचुरल ग्लो तो आप आपके पास अगर कोई भी प्राइमर अवेलेबल है आप वही लगा लेना नहीं तो आप इस टाइप के मार्स के प्राइमर्स ट्राई कर सकते हो दे आर वेरी गुड मतलब अगर आप डेली मेकअप कर रहे हो या कोई फेस्टिव मेकअप कर रहे हो ये अच्छा काम करेगा वंस आपका प्राइमर लग जाए लेट इट सेट फॉर टू मिनट्स उसके बाद हम लोग अपना फाउंडेशन लगाएंगे ना मैंने यहाँ मार्स का ही फाउंडेशन दिया है उसको मैं अच्छे से मिक्स करूँ गाइज प्रोडक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहाँ चेकआउट कर लीजिएगा ये फाउंडेशन भी आपको अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएगा मतलब अंडर थ्री हंड्रेड या फोर हंड्रेड्रेड्रेड्रेड में ही आ जाएगा एक्जैक्ट प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसके बाद मैंने ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया यू वोट बिलीव गाइज ब्यूटी ब्लेंडर मैं यूज कर रही हूँ दिस इज ऑल्सो फ्रॉम मार्स और इसका प्राइस अराउंड वन नाइनटी नाइन रुपीज है बट बहुत अच्छा काम कर रहा है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो अच्छे से जो फाउंडेशन है ब्लेंड कर दे रहा है गिविंग मी दैट नेचुरल लुक मैंने जो कलर यूज किया है एग्जैक्ट माई स्किन टोन है मैंने लाइट या डार्क शेड नहीं यूज किया जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो एब्सिल्यूटली लव द फिनिश नेक्स्ट स्टेप गाइज जिस टू कंसील मैंने यहाँ पे यूज किया मार्स का कवर रेंजर कंसीलर पैलेट इन द शेड जीरो वन और मैं इसी से कंसीलर लेके लगा रही हूं दिस इज वेरी गुड फॉर पीपल विद ड्राई स्किन क्योंकि बहुत अच्छा और देर तक यू you नो know, टिका भी रहता है ड्राइनेस नहीं लगता है और फिनिश भी बहुत अच्छा मिलता है तो मैंने इसमें से लाइटर शेड लिया है और जस्ट हल्का सा मैंने हाईस्ट पॉइंट्स में लगा के मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ आपको अगर कंसीलर नहीं लगाना है आप स्किप कर सकते हो बट जस्ट वी आर डूइंग लाइक अ बॉलीवुड स्टाइल इसलिए मैंने कंसीलर ऐड कर दिया है नाउ टू सेट एवरीथिंग मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मार्स का ट्रांसलूसेंट पाउडर इन द शेड वाइट ये बहुत अच्छा पाउडर है गाइज ये मैं आज से यूज़ नहीं कर रही आई विन यूजिंग इट फॉर लॉन्ग इसका बनाना शेड भी बहुत अच्छा है आप अपने स्किन टोन के हिसाब से यू नो ट्रांसलूसिंग पाउडर पिक कर सकते हो नाउ द टिप इज़ आपको डायरेक्टली नहीं लगाना जैसे मैंने आपको दिखाया हाथ में एक्स्ट्रा एक्सेस निकाल लीजिएगा उसके बाद सेट करिएगा तो बहुत अच्छा फिनिश आएगा और ग्रे भी नहीं लगेगा ड्राई भी नहीं होगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे अपना ब्राउज फॉर विच अगैन आई हैव यूज मार्स का ब्राउ किट इसमें फोर कलर्स अवेलेबल है ब्रश भी है स्पूली भी है सो इट्स वेरी इजी टू यूज़ और ये आपको अराउंड टू फिफ्टी उसके अंडर में ही मिल जाएगा बट नाइस nice, मुझे अच्छा लगा और मैंने दो शेड मिक्स करके लगाया था आई मेकअप मैंने यूज़ किया मार्स का आई स्कैन आई शेडो पैलेट जिसमें सिक्सटी कलर्स है और ब्रश्स की की। है ग्रीन एंड गोल्डन जो भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हो दीज आर ऑल अंडर उसके बाद मैंने पैलेट में से सारे ब्राउन शेड्स पिकले लाइट उसके बाद मैंने डार्क यूज किया उसके बाद उससे भी डार्क यूज़ किया है और फिर मैंने ब्लैक यूज किया है जब हम मेकअप करेंगे तब आप देखते रहिएगा मैंने शेड्स कैसे कैसे यू नो लगाए तो सबसे पहले हमने लाइटर शेड लिया है और मैं उसको अपने यू नो क्रीस लाइन पर लगा रही हूँ जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो लगा के हल्का हल्का ब्लेंड करना ब्रश्स Very but works. एकदम प्रो, प्रो जैसे अगर आप काजल दिया हैल्का सा वेरी क्लोज टू माई लैशे लगाया और फिंगर से मैं स्मच कर ले रही हूँ आपको जितना डार्क चाहिए आप उतना डार्क कर सकते हो उसके बाद मैंने एक डार्क शेड पिक किया है ब्राउन का और मैं उसको जस्ट लिड में लगा रही हूँ हल्का हल्का टैप करना है हल्का हल्का पहले टैप कर लो जब कलर बैठ जाए उसके बाद आप उसको ब्लेंड कर सकते हो शाडोज़ आर रियली पिगमेंटेड और बहुत सॉफ्टली ब्लेंड हो जा रहा था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा मतलब पैची एकदम नहीं लग रहा था लगाने के बाद जब आप ब्लेंड कर लोगे उसके बाद मैंने एक क्लीन ब्रश लिया है और मैं अपना लाइटेस्ट शेड को अच्छे से और ब्लेंड करी सो so दैट वो ना कलर जाके मर्ज हो जाए और अच्छा लगे ब्लेंडेड लगे फिर मैंने छोटा वाला ब्रश यूज़ किया है उससे मैंने एक और डार्क शेड लिया है उसको मैंने लिट पे लगाया है और सारे कलर्स को हम लोग अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे उसके बाद मैंने ब्लैक शेड लिया है और जहाँ हमने काजल लगाया था और स्मच किया था उसके ऊपर हल्का हल्का मैंने ब्लैक शेडो लगा लिया है नाउ यूजिंग द सेम काजल मार्स का ही मैंने अपने लोअर लिप पे लगाया है और मैं स्मच कर रही हूँ काजल आपको हल्का हल्का लगाना है और जब आप स्मच करोगे तो अच्छे से करना तो वो बहुत अच्छा लुक दिखता है आपको डार्क करना है आप और काजल लगा के उसको डार्क भी कर सकते हो बट आई वॉज हैप्पी क्योंकि मेरे स्किन uh, टोन के हिसाब से ऐसा यू नो शेड अच्छा लग रहा था फिर मैंने छोटे वाले ब्रश से अपना डार्क ब्राउन शेड लिया और मैं उसको लोअर लिट पे लगा के अच्छे से सब कुछ ब्लेंड कर रही हूँ उसके बाद मैंने सेम काजल को अपने अपर वाटर में लगा लिया है ऑल्सो ऑन माय लोअर वाटर मैंने दो तीन काजल रखा था एक इन का था एक मार्स का था तो दोनों मैं मिक्स करके यूज़ कर रही थी यूज़ करने के बाद आप देख सकते हो ऑल टुगेदर लुक कितना अच्छा लग रहा है एंड आई वॉज रियली हैप्पी यू नो बहुत सुंदर टर्नआउट हुआ इन वेरी ईजी स्टेप्स उसके बाद मैंने लैशे कर्ल कर लिया है कर्ल करने के बाद मैंने अपना मस्कारा यूज किया अगेन माइवर हाई एंड कट ड्यूपेगाइ ये मस्काराज तो बहुत अच्छा है Mascara आप लगा के यहाँ छोड़ सकते हो बट इफ़ यू वॉन्ट टू गिव मोर ग्लैम टू योर आईज आप यू नो लैशे लगा सकते हो ये मस्काराज भी आपको अंडर टू फिफ्टी या टू हंड्रेड में मिल जाएगा but काम बहुत अच्छा है। आप देख सकते हो मेरे लैशेस कितने अच्छे वॉल्यूम अपने एक तो मैंने यूज किया जस्ट टू शो यू गाइज कैसा लगता है आईज नेचुरल जस्ट ग्लू लगाओ और आईज पे लगा लो दो मिनट में लग जाएगा ओके फॉर माई ब्लश मैंने दो कलर मिक्स किया एक ऑरेंज एक पिंक दोनों मिक्स करके यू नो लाइट पिंकिश टाइप का कलर क्रिएट करके मैंने अपने चीक्स पे लगाया है नॉट एग्जैक्टली पिंक बट इसमें एक हल्का सा ऑरेंज टोन्ड भी आपको दिखेगा तो बहुत अच्छा लग रहा था यू नो दोनों दो कलर मिक्स करके लगाने के बाद ब्लश का जो कलर और सुंदर दिख रहा था उसके बाद मैंने सेटिंग स्प्रे यूज़ किया अगैन फ्रॉम मार्स गाइज अगर आप अफोर्डेबल रेंज में प्रोडक्ट्स देख रहे हो ना यू कैन ट्राई मार्स कॉस्मेटिक्स बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं काम भी अच्छा करता है फिर मैंने हाईलाइटर यूज़ किया आई थिंक मैंने वन ब्रांड सॉट ऑफ लुक भी कर दिया लाइक आईव यूज ओनली मार्स कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स और आप देख सकते हो कितना अच्छा अंडर रुपीज़ थाउजेंड एक यू नो बॉलीवुड स्टाइल मेकअप लुक मैंने यहाँ क्रिएट किया है उसके बाद मैंने लिपस्टिक यूज़ किया मैंने कोई ब्रॉन्जिंग व्रॉन्जिंग इतना ज़्यादा नहीं किया था बिकॉज आई थिंक ब्लश लगाने के बाद ही लुक बहुत अच्छा लगने लगता है नाउ लिपस्टिक हैक ये इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं क्या करती हूँ आजकल लिपस्टिक लगा के थोड़ा ही लगाती हूँ उसका तो फिंगर उसको अच्छे से ब्लेंड कर देती हूँ ब्लेंड करने के बाद जब वो गीला रहता है मतलब जब तक सूखता नहीं है मैं सारा एक्सेस निकाल देती हूँ तो उससे जब वो मैट और ओके सेटल डाउन होगा ना आपके लिप्स में इतना नेचुरल और अच्छा लगता है उसके बाद मैंने लिप लाइनर से जस्ट हल्का सा लाइन किया एंड यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल सा शेड यहाँ क्रिएट हो गया है उसके बाद मैंने अपना बिंदी लगाया है ना एसेसरीज पहन लो आई वॉज कन्फ्यूज कौन सा ईयर रिंग पहनू बट मुझे तो ये वाला ज्यादा अच्छा लगा एंड आई ऑल्सो सीन सारा अली खान वेयरिंग द सेम इयर रिंग तो मुझे बहुत खुशी हो रहा था कि यार मेरे पास ये इयर रिंग है तो मैंने वही वाला पहन लिया एंड देन माई बैंगल्स रिंग अच्छे से आपको जैसे सजना सज लो बैंगल्स तो पहनना पड़ेगा ना हम लोग लुम्बा वगैरह पहनेंगे तो अच्छा लगेगा हेयर स्टाइल बना लो एंड दैट वॉज ऑल फॉर द मेकअप गाइज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स कैसा लगा आपको ये लुक और अगर आप ट्राई करोगे डू टैग मी ऑन माई इंस्टाग्राम इस प्रोडक्ट लिंक्स सारा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल मिलेगा चेकआउट कर लीजिएगा दिस इज द दूट दर आज वरिंग आप इसको कोई भी चुनी के संग पैक कर सकते हो अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा बाय